केंद्र सरकार द्वारा स्टॉक की समय सीमा लागू करने का व्यापारी कर रहे हैं विरोध। केंद्र सरकार से काले कानून को वापस लेने और राज्य सरकार से इसे लागू नहीं करने की जा रही है मांग। अजमेर होलसेल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष माणक चंद सिसोदिया के नेतृत्व में होलसेल व्यापारियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर दाल दलहन के स्टॉक की समय सीमा लागू करने का विरोध करते हुए इस अध्यादेश को राज्य सरकार द्वारा लागू न करने की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार से इस काले कानून को वापस लेने की भी मांग की गई है। सिसोदिया ने बताया कि कोरोना काल के चलते वैसे ही न्यूनतम मांग के कारण पिछले दो माह में दलहन के भाव में लगभग 25% की गिरावट आ चुकी है। ऊपर से केंद्र सरकार द्वारा इस अध्यादेश को जारी कर दलहन का स्टॉक सीमित मात्रा में कर दिया गया है, जिससे समस्त व्यापार व्यापारी और किसान तक इस अध्यादेश के दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं और वे खासे परेशान हैं। अभी वर्तमान में भी सभी दलहन के भाव सरकार के समर्थन मूल्य यानी MSP से नीचे चल रहे हैं, फिर भी स्टॉक लिमिट लगाना साफ दर्शाता है कि केंद्र सरकार की मंशा मंडियों को खत्म करने की है। लिहाजा इस काले कानून का सभी होलसेल व्यापारी विरोध कर रहे हैं, इसे किसी भी हालत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। व्यापारियों पर दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाई है, ये व्यापारियों के साथ घोर अन्याय का काम किया है। सारे दलहन MPS रेट से नीचे बिक रहे हैं, उस समय स्टॉक लिमिट लगाना कोई औचित्य नहीं है। किसान अभी भी बाज़ार में माल लेके आ रहा है, इस समय लिमिट लगाई तो न तो किसान को सही भाव मिलेगा, न व्यापारी का पुराना माल बिकेगा, न उपभोक्ता को कोई फ़ायदा होने वाला है। और जो नई बुआई आएगी उसमें किसान इतने नीचे भाव होने से इस बुआई को छोड़ करके जिसके भाव ऊँचे रहते हैं उस पे जाएगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन राजस्थान में होता है, तो ये भाव ज़्यादा नीचे आ रहे हैं तो उसकी वजह से दलहन का उत्पादन राजस्थान में पिटता जाएगा, किसान दूसरी उपज को पैदावार करेगा। सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा निवेदन है इस काले कानून को वापस लिया जाए, तथा राज्य सरकार से निवेदन है कि इस काले कानून को लागू नहीं करे राजस्थान के अंदर।